जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कोई खुफिया सा रास्ता है। अरे ऑफ रोडिंग करा रहा है गूगल बस, और कुछ नहीं करा रहा है, पहले से ही ऑफ रोडिंग के लिए रात के समय पर। अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी निकल गया हूँ मैं, अमन को पिक करना है पहले, तो फटाफट से चलते हैं। गाड़ी मैंने ऑलरेडी बाहर लगा दी है, पापा की गाड़ी अंदर कर दी है। और ये देखो मेरे को सी ऑफ करने कौन आया है। बाय बच्चा, बाय बाय, बाय बाय। प्रसाद वगैरह दिया है, तो प्रसाद गाड़ी में रख दिया है मैंने भगवान के पास। मम्मी से पानी की बॉटल लेके आता हूँ। बाय बाय, प्रणाम। अभी अमन के सोसाइटी पहुंच गए हैं, बस अमन को पिक करना है यहाँ से और निकलते हैं फिर शशांक को पिक करने के लिए, अपना सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर। ओ जीजी, पैदल चलोगे क्या कि गाड़ी की छत पे चलोगे? आओ 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 भाई, डिक्की में आपका स्वागत है। सामान रखो अंदर। तूने मेरा सामान रख लिया है ना? मैंने सब रख लिया है, मैंने बैग में ना एक्चुअली भी चार्जर वगैरह रखे हैं, तो तू अभी सामान ऐसे रख, ठीक है? ये कैमरा ऊपर रख दिया था, पीछे भी रख जाएगा, है ना? यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दे, यहीं से शुरू भाई। इसमें तो शैंकी का तो मुझे लगनी ना आएगा। मैं कह रहा था तूने मेरा वाला पूरा किया ना, क्या टूज एंड ऑल इसमें ही है, इसके अंदर ही है। बोल रहा था तेरा कैबिन क्रू की तरह बैग सेटल करो। हाँ, शैंकी का भी आ जाएगा और उसके ऊपर से दो बैग और आ जाएंगे। ये कौन घूम रहा है अंदर, कहाँ है? ठीक है, आ जाएगा। हाँ। अच्छा ये बता, इसमें से रुक, क्या चाहिए? रात के चश्मा पहनेगा सुबह के लिए, तो सुबह तक गाड़ी से नहीं उतरेगा। ये जो तुम्हारे जुल्फे है, तुम्हारे वो हेडबैंड कहाँ है? ओए ये रहा यार, आओ चलो बैठो गाड़ी में। और ये हुई ट्रिप की शुरुआत, और शुरुआत में ही अमन भाई साहब कुछ सामान भूल गए, अब गया घर में लेने के लिए, फटाफट से भाग के सामान लेके आ रहा है। फिर निकलते हैं और शैंकी को पिक करते हैं। मैं दिख रहा हूँ क्या भाई साहब अंधेरे में? अरे 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 अब दिख रहा हूँ मैं तो। बस अभी हम यहाँ से बीच में एक आध स्टॉप लेंगे, अभी कुछ खाएंगे मूर्थल रुक के, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे सीधा अम्बाला के रास्ते कसौल। तो देखते हैं अगर कोई रास्ता वास्ता बंद हो तो फिर रास्ता बीच में चेंज करना पड़ सकता है। फिलहाल तो गूगल मैप के भरोसे ही जा रहे हैं और आपको मैं अपडेट करता रहूँगा क्या हाल है रास्ते के, कैसा क्या चल रहा है, टोल वगैरह बंद है चालू है, बिकॉज बीच में प्रोटेस्ट वगैरह भी काफ़ी चल रहे थे, और लैंडस्लाइड के हाल भी आपको बीच में अपडेट करता रहूँगा। टिल देन टाइम लैप्स मैं बीच बीच में डालूंगा, आप इंजॉय करो टाइम लैप्स को। Welcome to my vlog. How are you? Good man. देखे छपरी छपरी अमन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कोई खुफिया सा रास्ता है। अरे ऑफ रोडिंग करा रहा है गूगल बस, और कुछ नहीं करा रहा है, पहले से ही ऑफ रोडिंग के लिए। रात के समय बज रहे हैं, ठीक है माता, ठीक है। गूगल का नाम ले लिया, गूगल भी कुछ बोल रही है, मतलब इसका नाम ले लिया था मेरे भी, अपना खराब होना इसलिए। ये अभी हमें गूगल ना अपने नेशनल हाईवे से कट करके ना कोई शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा है, अभी इसमें पता नहीं कौन सा रास्ता ले आया है, अंधेरे रास्ते में कोई लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन देखते हैं कहाँ जाता है रास्ता। ये रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है, आई होप ट्रक वाले भैया साइड दे दे। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। बट ये रास्ता पता नहीं, अमन देख इसमें मैप में कहाँ जाके मिल रहा है।
आगे ये रास्ता मिल तो रहा है, आगे जा रहा है ना राइट में, नहीं इतना भी राइट में नहीं, तू सीधा कसौल पहुंच जाएगा फिर तो भाई, इतना इतना स्क्रॉल करेगा तो। फाइनली एक घंटे की ऑफ रोडिंग करने के बाद हम तीनों बाहर आ गए। क्या बोलता है जी, हाईवे पे बस पहुंचने वाले हैं। ये वाला हाईवे का रास्ता कौन सा, नेशनल 44 है ना, ये वही है मूर्थल वाला है शंकी। एक बार चेक करना आपने। बस यार बड़ी मुश्किल से निकले, अगर कोई भी इस रास्ते से आ रहे हैं ना, अगर मैप आपको दिखाए अंदर तो कोशिश करो एक घंटा फालतू दिखाएगा वो मेन हाईवे वाला, उसी से चले जाओ, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और गाड़ी के चारों टायर आपको पानी के अंदर मिलेंगे। सोचो इतना पानी जमा है रोड में, बारिश होती रही तो गाड़ी भी अंदर। चलते हैं कुछ खाते हैं यहाँ पे और उसके बाद फिर अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ निकालना मन, अभी यहाँ से पराठे वगैरह खा लिए, अभी निकल गए हैं और एक बार ना फॉग लाइट चेक कर लेंगे। शंकी पानी में गई थी ना गाड़ी, पानी में गई थी ना गाड़ी, फॉग लाइट चेक कर लेंगे। भी खराब है और दिल्ली से अभी जब से निकले एक भी टोल नहीं भरा हमने। और कहाँ तक नहीं भरना है अमन? अंबाला तक नहीं भरना है। हाँ अंबाला तक नहीं भरना है, कोई बीच में अपडेट होता है तो देते हैं आपको, उसके बाद का अपडेट आपको आगे देते आपको रहेंगे। देते रहेंगे सारे के सारे अपडेट। चंडीगढ़ वाले हाईवे पे वहाँ से अंबाला सिटी से आगे आप लोगों को सीधा नहीं जाना है, नीचे फ्लाई ओवर जो है अंबाला सिटी का उसके नीचे से आप राइट ले लो NH 205 पे और वो रास्ता सीधा खाली एकदम आपको सीधा मनाली की तरफ लेके जाएगा। हाँ सॉरी कसौल की तरफ लेके जाएगा। हमें हंसने की जरूरत नहीं है भाई, गाड़ी चला रहा हूँ रात से, ठीक है वो जाती है गलती यार, इंसान है हम है ना। तो कसौल की तरफ सीधा रास्ता जा रहा है और कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हो सकता है हम सुबह जा रहे हैं इसलिए नहीं मिल रहा है, दिन में शायद आपको मिल जाए। तो कोशिश करो रात को निकल जाओ और टाइम से पहुँच जाओ कि दिन में 1-2 बजे तक आप कसौल। रोड कंडीशन अमेजिंग, बट बीच में एक स्ट्रेच है जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो ये जो ब्लॉक है सिंधु बॉर्डर की तरफ ना ब्लॉक किया हुआ है रोड, तो अंदर से रास्ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड स्ट्रेच है, गाड़ी मतलब ना ही चलाओ सस्ते पे तो अच्छा है, सीधा सीधा ले लो, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, आराम से निकल आओगे, गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इसी के साथ अपना टाइम लैप्स एंजॉय करते रहो। सुखदेव अमृत सुखदेव हाइप, इट इज ओवर हाइप, ओवर हाइप, बहुत ज़्यादा रश है। और गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं वीरसा रिजॉर्ट के पास, एक्चुअली थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के लिए। ये अमन साइलस कितने मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराहट, अभी तक गाड़ी चलाई नहीं है, चलाएंगे गाड़ी उसके बाद इनके मुस्कुराहट दिखेगी। तो मतलब 12 घंटे तो हाँ 6 घंटे लगातार गाड़ी चला लिए, एक जगह ब्रेक लिया था बस, अभी बस उसके बाद फिर यहाँ से लगातार ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आप लोग आ सकते हो, रुक सकते हो, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हो। ब्रेकफास्ट 7:30 बजे खुल जाता है यहाँ पे, तो अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो 7:30 बजे के बाद यहाँ पे आप कर सकते हो रुक के। फाइनली पहला टोल हमने भरा है, कौन सी जगह है शंकी? हिमाचल में एंट्री होती है ना, पहला टोल आपको यहाँ भरना है, 40 रुपए का टोल है सिर्फ, उसके पहले एक भी टोल हमने नहीं भरा है।
अभी हम वादियों में घुस चुके हैं, अमन चला रहा है गाड़ी, हम स्विच कर चुके हैं क्योंकि मैं 6 घंटे से गाड़ी चला रहा था, अमन चलाएगा बाकी 6 घंटे पीछे। अभी फिलहाल हमने एक चेक पोस्ट क्रॉस किया है, पहला चेक पोस्ट था यहाँ पे, सिर्फ गाड़ी में चेक कर रहे हैं कि कोई मतलब हथियार वगैरह ना हो गाड़ी के अंदर, और मोस्टली वही चेक कर रहे हैं, वेपन वगैरह कोई कैरी नहीं कर रहा है। हमारी गाड़ी में एक डंडा पड़ा था, उन्होंने डंडा उतार लिया हमारा, वैसे हमें डंडे की ज़रूरत है नहीं, बाकी हाँ कोई ई पास वगैरह नहीं मांगा इन्होंने, कोई कोविड टेस्ट नहीं मांगा हमसे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप विदाउट ई पास विदाउट कोविड टेस्ट ट्रैवल कर सकते हो, बाकी अपने दोनों वैक्सीन ले लेना, वो आपकी बेनिफिट के लिए ही है। हमने ले लिए अपने, हम तीनों ने दोनों वैक्सीन अपनी सारी, तो बट स्टिल जो जो ट्रैवल कर रहे हो मैंडेटरी है मास्क अपना कैरी करना ट्रैवल करते टाइम, क्योंकि मास्क का चलान हिमाचल में पुलिस जब भी पकड़ेगी तो काटेगी। 5,000 रुपीज़ हाँ, दोनों में से कुछ भी या दोनों भी दे सकते हैं।